फारूक साहब, आप खुद तो आजकल टीवी पे आते नहीं हैं जी, लेकिन आपका जिक्र तकरीबन रोज हम देखते हैं। मेरा जिक्र का मतलब है कि अंकल सर का जिक्र जी, अंकल या कठपुतली का जिक्र। हाँ ये तो है, मुझे लग रहा है कि हमारी जगह कोई और काम कर रहा है और हमें पता नहीं चलने दे रहा। शायद अखबार में डेली इनका मासी सरगम के हवाले से एक कार्टून छपता है, वो एक अखबार में जो छपता है वो वही मैसेज होता है जो हम टीवी में करते थे। अब हम क्या करते हैं कि हम शोज़ करते हैं, तो हमारे दो किस्म के शो होते हैं, एक बच्चे का, बच्चों का जो छोटे पपट्स के साथ, एक बड़े बड़ों के लिए जो लिटिल आजकल के हालात के ऊपर होता है, वो बहुत दिलचस्प होता है। उसमें म्यूज़िक भी होता है, उसमें गाने भी होते हैं। ये जो जो शो है ये हमने बड़े बड़े सरबराहों के सामने भी किया, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया। तो एक छोटा सा मैं आपको चंक बताता हूँ कि जब सरगम आता था टीवी पे, मुशायरे में जैसे आया, तो उसको एक ख़ास नाम लेके जो कॉम्पेयर था या जो प्रेजेंटर था, करते हैं लाल टहने महफिल, बहुत अच्छा। और ये वो उससे थोड़ा सा वो चिढ़ता भी था सरगम जी, जी। और टकरे मारता था कि मेरा ये इस तरह का तारफ गया, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा देखिएगा कि उसने बुलाते कैसे थे। और अब पेश करेंगे अपना कलाम बरहम बुजुर्ग आलम माताब अंजुम ने मुसालम आदे गंजम आदे बालम मजाज बरहम जनाब सरगम। मेरे कलाम से ज्यादा तो आपने मेरे अलकाब गिनवा दिए हैं, मगर कोई बात नहीं। लो जी, असली नज़म से पहले हज़्ब हाल, अपने कलाम से पहले मैं थोड़ी सी बदकलामी करूंगा। शेर नाकाबिले बर्दाश्त है, बर्दाश्त करना। मुआशरे के बुजुर्ग का हाल पेश खिदमत करता हूं। मैं खिलाता था लोग खाते थे, माल बिकता था लोग आते थे। खिलाता था लोग खाते थे, माल बिकता था लोग आते थे। माल है खत्म, खाली छाबा है, अब बुरे हाल में ये बाबा है। अब मैं असली नज़म आपके सामने पेश करता हूँ। हमने यूं साइंस में तरक्की तेज कर ली, हमने यूं साइंस में तरक्की तेज कर ली, साइंस पढ़ते रहे वो, हमने परचेज कर ली। ईमानदारी की बात है, मैं तुम्हारा फैन हूँ। और आगे अर्ज किया है, अमीरी गरीबी का तवाजन यूं बरकरार रहा, अमीरी गरीबी का तवाजन यूं बरकरार रहा, वो डट के खाते रहे, हमने परहेज कर ली। ये थे हमारे महफिल के शायर ज़मानी अंकल सरगम। ये जो अभी परफॉर्मेंस है ये मेरी बेटी ने परफॉर्म किया हुआ है और सरगम के साथ किया हुआ। फिर उसके बाद फिर जब अगला स्टेज आएगा तो ये टीवी में मासी सरगम ने किया हुआ। उसके बाद एक तीसरा स्टेज है लाइव का जो हम करते हैं शोज में, वो भी आपको दिखाएंगे। तो पहले देखिएगा ये जिंदगी महाल है।